हेलो एवरीवन टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अ न्यू चैप्टर ऑफ आवर हिस्ट्री बुक चैप्टर इज चैप्टर नाइन वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म वुमेन का मतलब होता है महिलाएं कास्ट का मतलब होता है जाति एंड रिफॉर्म मीन्स सुधार एंड आई विल आई एक्सप्लेन यू दिस लेसन फोकस ऑन वुमेन राइट्स

कि दो सौ साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी आजकल के जो मिडिल क्लास फैमिली हैं उसमें कि ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से सारी लड़कियां मतलब बहुत सारी लड़कियां लड़कों के साथ भी पढ़ती हैं बड़े होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी जाती हैं और बहुत सा बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जॉब्स भी करती हैं आज के टाइम में कानून शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं आज के टाइम में यहाँ तक कि विधवाएँ भी दोबारा शादी कर सकती हैं पुरुषों की तरह सभी महिलाएँ वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं लेकिन दो सौ साल पहले जो हालात थे आज के समय से बिल्कुल अलग थे मोस्ट चिल्ड्रेन वर मैरिड मैरिड ऑफ़ एट एन अर्ली एज ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी बहुत हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ्स हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे और देश के कुछ भागों में विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही ज़िंदा जल जाएं सती प्रथा जिसे कहते हैं सो so, सती प्रथा मीन्स अ विडोबर्न हर सेल्फ ऑन द फ्यूनरल फायर ऑफ देयर हजबेंड्स वॉज प्रिवेलिंग इन हिंदू सोसाइटी मीन्स सती प्रथा वह है जिसमें पत्नी जो एक विधवा जो स्त्री होती है वो अपने पति की अपनी स्वेच्छा से या जबरदस्ती अपने पति के सीता के साथ जिंदा जल जाती है और इसी को उस उस दो सौ साल पहले सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था वुमेन राइट्स टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन और शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुँच नहीं थी देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फ़र्क नहीं था इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलॉन्ग लाइन्स ऑफ कास्ट ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे ब्राह्मणास एंड क्षत्रियस कंसिडर्ड डेमसेल्स अस अपर कास्ट जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे खुद को ऊंची जाति का मानते थे ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स रिफर्ड टू अस वेश्यास वैश्यस वर प्लेस्ड आफ्टर दैम और जो इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियाँ जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था का स्थान आता था पीसेंट्स एंड सच सचस वीवर्स एंड पोर्टर्स रिफर टू अस वर एट द लो लोवेस्ट रग और फिर कास्तकार बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था और इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियाँ थीं जो गाँवों शहरों को साफ सुथरा रखती थीं या ऐसे काम धंधे करती थीं जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थीं इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊँची जातियों के अधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था ओवर द नाइनटीन्थ एंड ट्वेंटी सेंचुरीज़ मैनी ऑफ दिस नॉर्म्स एंडप परसपन्सो स्लोली चेंज्ड उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए फर्स्ट लेटेस्ट सी हाउ दिस हैपेन फर्स्ट वर्किंग टू वार्ड्स चेंज परिवर्तन की दिशा में उठते कदम फ्रॉम द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ़ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन डिबेट्स एंड डिस्कशंस एबाउट सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिस स्टार्टेड उन्नीसवीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित जो डिबेट्स हैं और डिस्कशंस हैं उसका स्वरूप बदलता दिखाई देता है इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे पहली बार किताबें न्यूज़पेपर मैगज़ीन्स पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थीं। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी जिनके बारे में हम चैप्टर सेवन में स्टडी कर चुके हैं आम लोग भी इन चीज़ों को पढ़ सकते थे उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने जो थाट्स हैं वो एक्सप्रेस कर सकते थे नए शहरों में तमाम तरह की सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड धार्मिक जो इश्यूज़ हैं उस पर जो पुरुष और कभी कभी महिलाओं के बीच भी डिस्कशन होती रहती थी और ये डिस्कशन आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी दिस ऑफ़न दिस डिबेट्स वर ऑफ़न इनिशिएटेड बाई इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स और इस तरह की बहस जो अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी राजा राम मोहन रॉय सेवेंटीन हंड्रेड सेवेंटी टू टू एटीन हंड्रेड थर्टी थ्री बॉस वन सच रिफ़ॉर्मर हु फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नाव अस ब्रह्मो सभा लेटर नाव अज द ब्रह्म समाज इन कलकटा राजा राम मोहन राय जो कि जिनका टाइम पीरियड सत्रह सौ बहत्तर से अठारह सौ तैंतीस तक था इसी स इसी तरह के एक सुधारक थे जिन्होंने भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से जो बहस वगैरह स्टार्ट हुआ था उनमें से राजा राम मोहन राय एक सुधारक थे इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया रिफॉर्मर्स वर दोज पीपल हु फेयर दैन दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी एंड अनजस्ट प्रैक्टिस नीडेड टू बी डन अवे विथ और राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों को राजा राम मोहन जैसे लो, लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते हैं थे कि समाज में चेंजेस लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है उनका विचार था कि इस तरह के जो परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन को नए ढंग से अपनाने के लिए तैयार हों ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वूमेन और राजा राम मोहन रॉय देश के जो पश्चिमी भाग वहाँ पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्ष अधर थे वे इंटरेस्टेड थे कि वेस्टर्न जो एजुकेशन है वो महिलाओं के लिए उसका उस तरीके की एजुकेशन का प्रसार हो उन ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स टू बेयर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क कॉन्फाइंडेड टू द होम एंड द किचन एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी नेक्स्ट वी विल रीड टॉपिक अबाउट चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज मीन्स विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश राम मोहन रॉय बॉस पर्टिकुलरली मूव्ड

क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स देयर फॉर दे वर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन हू वॉज़ रेपुटेड रेपुटेड टू बी अ लर्न मैन लर्न मैन जो उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे जो अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाज की काफ़ी आलोचना करने लगे थे वे राम मोहन रॉय के विचार को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी राजा राममोहन राय जो थे वो संस्कृत फारसी और इसके अलावा कई भारतीय और यूरोपीय भा भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं भी नहीं दी गई है इसलिए जो अंग्रेज़ थे वो राजा राममोहन राय के विचारों को सही मानते थे इन एटीन ट्वेंटी नाइन सती वॉज बैन इसका रिजल्ट यह हुआ कि एटीन ट्वेंटी नाइन में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई एन अदर रिफॉर्मर ईश्वरचंद्र विद्यासागर यूज टू एन सी ए टेक्स टू सजेस्ट दैट विडोज गुड रीमैरी एक अलग रिफॉर्मर जो कि ईश्वरचंद विद्यासागर है उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि रा, राम राम मोहन राय ने जो ये अभियान थी सती प्रथा पर जो पाबंदी लगी थी इसके लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो क्योंकि पहले के लोग जो थे वो धार्मिक बहुत ही धार्मिक वृत्ति के थे तो इसलिए उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इन सुधारकों ने ये जो धार्मिक श्लोक थे जो कि धार्मिक ग्रंथ से जुड़े हुए थे उनको ढूंढा करते थे ताकि उसका ज़्यादा इफेक्ट लोगों पे पड़े और इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के ख़िलाफ़ है और जो उदाहरण राजा राममोहन के ज, जैसे ही जो दूसरे रिफॉर्मर थे प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों ग्रंथों का ही हवाला दिया था ही सजेशन वॉज अडॉप्टेड बाई ब्रिटिश ऑफिशल्स एंड अ लॉ वॉज़ पास्ड इन एटीन फिफ्टी सिक्स परमिटिंग विडो रीमैरिज और अंग्रेज़ सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और अठारह में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया जो विधवा विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे विधवाओं के मीन्स जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी करना शुरू कर दिया इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी वीरेश लिंगम पुंतलु फॉर्म एन एसोसिएशन फॉर विडो रिमेरिज उन्नीसवीं सदी के तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा जो आंदोलन था देश के अन्य भागों में भी फैल गया तो मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेश विरे, लिंगम पुंतलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था और लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया इन द नॉर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती who founded the reform association called Arya Samaj also supported widow remarriage और उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे नेक्स्ट वी विल रीड टॉपिक अबाउट गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल मीन्स लड़कियाँ स्कूल जाने लगती हैं मैनी रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है विद्यासागर इन कलकत्ता कलकत्ता एंड मैनी अदर्स अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई के बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले पीपल फेयरड दैट स्कूल्स वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़ उन्नीसवीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खोले गए तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे लोगों को यह भय था कि स्कूल जा स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज करने नहीं देंगे आल्सो गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल विच वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था और बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी और उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए आउट द नाइन्टीन सेंचुरी मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर हॉट एट होम बाई लिबरल फादर्स और हस्बेंड्स फलस्वरूप उन्नीसवीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके जो लिबरल थॉट्स वाले जो फादर या हस्बैंड थे उनकी देख रेख में ही घर पर पढ़ाया जाता रहा कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तक में आपने राज सुंदरी देवी के बारे में भी पढ़ा था क्या पढ़ा था याद शायद आपको याद हो वे ऐसी महिलाओं में से थीं जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लोग में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था राज देवी ने नेक्स्ट इन द लेटर पार्ट ऑफ द कंट्री स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर इस्टेब्लिस्ड बाई द आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फूले इन महाराष्ट्र उन्नीसवीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए इन एंस्टिटेट मुस्लिम हाउस होल्ड्स इन नॉर्थ इंडिया वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक देवर टॉट बाई वुमेन हु कैम होम टू टीच उत्तर भारत के कुलिन मुस्लिम परिवार की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं आती रखी जाती थीं इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ रिफॉर्मर थे उन्होंने कुरान की शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और फिर उन्नीसवीं सदी की आखिर में से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हो गया और इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साथ संभाल के बारे में पढ़ें नेक्स्ट वी विल स्टडी टॉपिक अबाउट वुमेन राइट अबाउट वुमेन मीन्स महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं From द early ट्वेंटी सेंचुरी मुस्लिम वुमेन लाइक द बेगम ऑफ भोपाल फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़ बीसवीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में के लिए अहम भूमिका अदा की जैसे भोपाल की बेगमों में अलीगढ़ बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला बेगम रुकैया शेखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता कलकत्ता। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थीं जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले वह वा रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है बाई द एटीन हंड्रेड एटीज इंडियन वुमेन बिगैन टू एन एंटर यूनिवर्सिटीज़ एंड ट्रेंड टू बी डॉक्टर्स सम बिकम टीचर्स और अट्ठारह सौ अस्सी के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगीं उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ टीचर बन गईं बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए ताराबाई सिंधे और वूमेन एजुकेटेड एट होम एट होम एट पूना पब्लिश अ बुक स्त्री पुरुष तुलना कंपेरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित किया जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी पंडिता रामाबाई अ ग्रेट स्कॉलर स्कॉलर ऑफ संस्कृत रोट अ बुक अबाउट द मिसरेबल लाइफ्स लाइफ्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वूमेन सी फाउंडेड अ विडोज होम एट पट पुना टू प्रोवाइड सेल्टर टू विडोज़ संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थीं जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़े खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए होंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजे को लेकर चिंतित थे फ्रॉम बाय द एंड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी वुमेन वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म्स और उन्नीसवीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगी। दे रोट बुक्स एडिटेड मैगज़ीन्स, फाउंडेड स्कूल्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स एंड सेटअप वुमेन वुमेन्स एसोसिएशंस और उन्होंने किताबें लिखी पत्रिकाएं निकाली स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले और महिलाओं को संगठित किया फ्रॉम द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी दे फाउंड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स टू पूस through through laws for females suffer suffers uh, suffers uh, the right to vote Female suffers the right to vote and better health care and education for women और विस्मित सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिक मताधिकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी उनमें से कुछ महिलाओं ने १९२० के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया था बीसवीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक आ, फ्रीडम और इक्वालिटी की मांगों का समर्थन किया और राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि फ्रीडम मिलने पर भी सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए सो टुडेज वीडियो वी रीड वर्किंग टू चेंज एंड topic about uh, changing the lives of widows and girls begin going to school women write about women uh, i hope in this video you have understood well what was taught in today's video next topic of this chapter topic of castes and social reform we will study in our next video thank you for watching